नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इंडियन रेलवे के आर और इस वीडियो अपडेट में हम जानेंगे नई दिल्ली से अगरतला और अगरतला से नई दिल्ली के बीच कौन सी ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है और इसकी समय सारणी क्या रहने वाली है। इसके साथ अन्य जानकारी जिसमें हम बताएंगे आखिर यह ट्रेन कौन से रूट होकर चलेगी, कौन से स्टेशन पर रुकेगी और इसकी समय सारणी क्या रहेगी। इस तरह के तमाम सवालों के जवाब आपको हमारे इसी वीडियो अपडेट में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो हमारा कुछ खास रहने वाला है जिसमें हम बात करेंगे आखिर दिल्ली से और कितनी ट्रेन बिहार को आएगी और बिहार के लिए कितनी ट्रेन कौन कौन से राज्य से खुलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नई दिल्ली से अगरतला के बीच एक ट्रेन को शुरू किया गया जिसका परिचालन आपको दोनों ही दिशाओं में देखने को मिलेगा। यह ट्रेन अगरतला से नई दिल्ली के बीच सिर्फ सोमवार के दिन चलेगी और यह ट्रेन अगरतला से 6:30 पर खुलेगी और नई दिल्ली 11:20 पर पहुंचेगी। यह ट्रेन सिर्फ सोमवार को अगरतला से खुलेगी और नई दिल्ली से यह ट्रेन 7:50 पर रवाना की जाएगी अगरतला के लिए, जो कि अगरतला यह ट्रेन 1:30 पर दोपहर के पहुंचेगी और यह ट्रेन नई दिल्ली से बुधवार को रवाना किया जाएगा। यह ट्रेन गुवाहाटी, न्यू जलपाईगुड़ी, कटिहार, बरौनी, पाटलिपुत्र, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए इसका परिचालन किया जाएगा और इसी तरह के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन पर इसका ठहराव दिया गया है। यह ट्रेन अगरतला से नई दिल्ली और नई दिल्ली से अगरतला के बीच सप्ताह में एक ही दिन परिचालन किया जाएगा। इस वीडियो को शेयर करें। आने वाले नेक्स्ट वीडियो अपडेट में हम कुछ और भी ट्रेनों के जानकारी के बारे में बात करेंगे। वीडियो को शेयर करें, कमेंट अवश्य लिखें।